आप तो अपनी अम्मी की हर बात मानते, चाहे वो ठीक हो या गलत हो। हालांकि तुम अब मेरे लिए किसी काम की नहीं हो। अगर आर फॉर बाई निकली तो तू तो दूसरी शादी करके बाप बन सकता है ना। शादी का इजाजतनामा है, इस पे साइन कर। मैं औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम हूँ, सौगन तो आनी थी। जो इज्जत प्यार और मुकाम मेरी पहली बीवी को मिला है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हें भी मिले। मैं ना अरफा के साथ ज्यादा कर सकता हूँ, ना तुम्हारे साथ। दो कश्तियों के सवार डूब जाते हैं आबिद साहब। आप लोग जाएं, मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। बस कर दो अब ये ड्रामेबाजियां, तुम्हें सिर्फ तेजाबियत है, इसके अलावा कुछ नहीं समझी। अरफ़ा, दर्द ठीक नहीं हुआ तुम्हारा? ड्रिप से फायदा नहीं हुआ कोई? पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन तेजाबियत की वजह से बहुत जलन हो रही थी, लेकिन अब ड्रिप लगने से काफी बेहतर हुआ है। वक्त बे वक्त तेजाबियत वाले खाने खाएंगी तो यही होगा। अरे हम तो समझे थे पेट के दर्द की वजह से कुछ खुशखबरी मिलेगी, लेकिन नहीं, अस्पताल जाके पता चला गैस और तेजाबियत के सिवा कुछ नहीं है। अम्मी, खुशखबरी देना मेरे हाथ में तो नहीं है ना? नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ हमें दुख देना है। तुम्हारे साथ की जितनी लड़कियों की शादी हुई है ना, माशाल्लाह से वो दो दो तीन तीन बच्चों की माएँ बन चुकी हैं, और तुमने हमें एक औलाद तक नहीं दी अभी तक। अम्मी प्लीज बंद करें ये टॉपिक। बस कर दे, तेरी वजह से ये सर पे चढ़िए। अम्मी तो मैं क्या करूँ, मेरा कसूर क्या है? पोता पोती देना मेरे हाथ में तो नहीं है ना? आप हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। आप ये बताएं, मैंने कभी आपसे बदतमीजी की है? आपकी शान में कोई गुस्ताखी की है? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे मुंह में कहाँ है जबान। शुक्र अदा करो कि अभी जैसा शौहर मिल गया तुम्हें और मेरी तरह सास मिल गई, नहीं तो अभी किसी और घर में होती ना तो तलाक का कागज तुम्हारे हाथ में मिल चुका होता। अमित प्लीज खत्म करें अब। अरफा जाओ, एक कप चाय बना के ले आओ, सर में दर्द हो रहा है मेरा। आरफा सही तो कह रही है बेचारी, उसके हाथ में कुछ नहीं है। उसके हाथ में नहीं है, लेकिन बेटा तेरे हाथ में तो है ना? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, औरत माँ बन सकती है। अरे माँ, अगर आरफा बाई निकली तो तू तो दूसरी शादी करके बाप बन सकता है ना? पागल कहीं का। दूसरी शादी मतलब? मैं समझा नहीं। अरे मेरी दोस्त नहीं है रुकैया, उसकी बेटी सिदरा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और कम उम्र है, तेरे साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं तेरी शादी उसके साथ करवा के ही दम लूंगी, देखना। मुझे सोचने का वक्त नहीं है। अरे बेवकूफ, इसमें सोचने की क्या बात है? मैं तुझसे कब कह रही हूँ कि तू अपनी चहेती बीवी को तलाक दे, दोनों को साथ रख। माशाल्लाह तुम इतना अच्छा कमाते हो, दो बीवियां तो अफोर्ड कर सकते हो। आरफा भी कहीं कोने में पड़ी रहेगी,
चाय रहने दो अम्मी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। चलो जाओ, जाके फोन कर देना मुझे, सही है? आप मुझे शादी की इत्तला दे रहे हैं या मुझसे इजाजत मांग रहे हैं? मैं तुम्हारी इजाजत लेने आया हूं। इतना बड़ा कदम मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कैसे उठा सकता हूं? मेरी तो कोई हैसियत है ही नहीं। आप तो अपनी अम्मी की हर बात मानते हैं, चाहे वो ठीक हो या गलत हो। अगर वो आपको कहेंगी कि आप कुएं में कूद जाएं, तो आप बगैर सोचे कूद जाएंगे। आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। आरफा वो मेरी माँ है और उनका हुक्म मानना मेरा फर्ज है, बस। शादी का इजाजत नामा है, इस पे साइन कर दो। देखो आरफा, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा इस घर में जो मुकाम है वो वैसे ही बरकरार रहेगा। मैं कोई अयाश मर्द नहीं हूं। अगर तुम इस घर को एक वारिस दे देती तो मुझे दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तुमसे इसी तरह मोहब्बत करता रहूंगा, यकीन करो मेरा। नैयर बहन, मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह जूस फैक्ट्री का अकेला मालिक है। किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सिदरा को इंशाल्लाह ताला रानी बना के रखूंगी, देखना तुम्हारी बेटी को मैं। वो सब तो नैयर बहन ठीक है, मगर अरे अगर मगर की भी गुंजाइश है क्या? इतने साल पुरानी दोस्ती का ही लिहाज कर लो। क्या मेरे बेटे आबिद में तुम्हें कोई कमी नजर आ रही है? नहीं नहीं, कमी तो कोई नहीं है। और वैसे भी आबिद बेटा तो मुझे शुरू से बहुत पसंद है। लेकिन देखे ना, सिदरा अभी कुंवारी है और इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं है। आबिद बेटा तो पहले से शादीशुदा है ना? अरे मर्दों का शादीशुदा होना कोई ऐप की बात थोड़ी है। उसकी बीवी है ना आरफा पहली, उसने हमें कोई वारिस ही नहीं दिया। कोई सिदरा में तो ऐसा मसला नहीं है? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे मेरी बेटी में ऐसा कोई मसला हो। माशाल्लाह सिदरा जवान है, सेहतमंद है, इंशाल्लाह आप देखना शादी के पहले साल ही वो माँ बन जाएगी। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। वैसे सिदरा है कहाँ? अरे बुलाओ ना, बहुत दिनों से मैंने देखा नहीं है उसे। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो किचन में चाय पका रही है, बुलाती हूँ अभी। सिदरा बेटा चाय ले आओ। काफी दिनों से नहीं देखा मैंने सिदरा को। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम, आओ बेटा मेरे पास बैठो। जी आंटी, आप चाय लीजिए। अरे बेटा इसमें चीनी तो नहीं है? शुगर का रोग लग गया है मुझे। आंटी शुगर तो आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे को है। आप बस डेली 15 से 20 मिनट वॉक को अपना मामूल बना लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह, कैसे डॉक्टरों की तरह बातें कर रही है ये तो। इसका तो शौक ही डॉक्टर बनना था, बस कुछ नंबर कम आने की वजह से इसका मेडिकल में दाखिला नहीं हो सका। मगर मेरी बेटी डॉक्टर से कम नहीं है, मेरे जोड़ों के दर्दों का इलाज भी सिदरा ही कर रही है। और आपको मजे की बात बताऊं, मुझे तो आराम ही सिदरा के इलाज से मिल रहा है। चलो सही है, सादगी से निकाह कर लेंगे और फिर अगले जुम्मे को जो है वो हम रुखसती के लिए आ जाएंगे, ठीक है ना? देखो शर्मा के चली गई। हाँ हाँ आपा, इसमें पूछने की क्या बात है, सिदरा बाप की बेटी है, जब आपका दिल चाहे ले जाए। खुदा तुम्हें खुश रखे, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ले चाय ले आप।
माशाल्लाह कितने मजे की चाय बनाई है। अल्लाह तेरा शुक्र है, सारे काम हंसी खुशी हो गए। जी अम्मी शुक्र है लगा। 12 बज गए, तुम क्या सारी रात यहीं बैठे रहोगे? जाओ अपने कमरे में। जा रहा हूँ, जाता हूँ। तुम यहाँ खड़े होके क्या कर रही हो? क्या सारी रात यहीं खड़े होके पैरा देने का इरादा है? जाओ अपने कमरे में सो जाओ। जाओ भाई, देर हो रही है तुम्हें। सिद्धा, तुमसे शादी मेरी ख्वाहिश से नहीं बल्कि मेरी माँ की ख्वाहिश और मर्जी से हुई है। लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो, जो इज्जत प्यार और मुकाम मेरी पहली बीवी को मिला है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो तुम्हें मिल जाए। खुश हुई शादी से, वो ये फ्लैट है तुम्हारी। असल में मेरे पास भी एक तोहफा है आपको देने के लिए। नहीं, मुझे वो गिफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, घर, कारोबार, गाड़ी, यहाँ तक कि पहले से एक बीवी भी है, सब सब कुछ है मेरे पास। लेकिन एक चीज की बहुत कमी है और उसके बगैर ये सब कुछ बेमायने, कोई वैल्यू नहीं है इन सब चीजों की। वो कहते हैं ना कि औलाद सबसे बड़ी दौलत होती है, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे इस आंगन में मेरा बच्चा खेले, और यही मेरी माँ की ख्वाहिश है, तो तुम पूरा करोगी इस ख्वाहिश को? इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अगर तुमने ये तोहफा दे दिया मेरी माँ को, तो क्या हुआ आरफा? आबिद और सिद्रा अभी तक सो के नहीं उठे, 9 बज रहे हैं। अम्मी दरवाजा अभी तक बंद है, पता नहीं मुझे। अच्छा तुम ऐसा करो, एक कप चाय दे दो मुझे, रात की थकान अभी तक उतरी नहीं है। अच्छा बैठे, मैं लाती हूँ।
इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जाने का इरादा है? बस मुझे हमेशा तैयार रहने की आदत है। ये तो बहुत अच्छी आदत है। ओके, तैयार हो जाओ। तो अम्मी नाश्ते पे इंतजार कर रही है। नाश्ता अम्मी ने बनाया? नहीं, वो आरफा ने बनाया होगा क्योंकि हमेशा से वही बनाती है। आरफा ने? हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो असल में अम्मी कह रही थी कि नाश्ता वो लेकर आएंगी घर से, तो इसलिए। क्या हम थोड़ी देर और इंतज़ार करना? नाश्ता हमारे घर में भी बनता है, तो अम्मी क्यों लाएंगी? अरे ये रसम है। बहुत ही फजूल किस्म की रसम है। मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है और अभी तड़प रहा हूँ भूख से मैं, तो चल के नाश्ता कर लेते हैं। और हाँ, अम्मी नाश्ता लाएंगी तो वो भी कर लेंगे, टेंशन मत लो तुम। मैं आपको सच बताऊँ, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन घर का खाने का मूड नहीं है। तो मैडम क्या खाना पसंद करेंगी? क्या आप मेरे लिए हलवा पूरी ला सकते हैं? बिल्कुल लेके आएंगे। योर विश इज माई कमांड। थैंक यू। जाओ जी, जाइए जाइए, जल्दी आइएगा। बस अभी गया और अभी आया। उठ गए बेटा? लग रहा है रात को बड़ी गहरी नींद में सोए हो तुम। नींद किस कम वक्त को आई होगी। क्या? नहीं कुछ नहीं, वो आपकी बहू ने फरमाइश की थी हलवा पूरी की, वो लेने जा रहा हूँ। मैंने कब मंगवाई है हलवा पूरी? मैं सिद्रा की बात कर रहा हूँ आरफा। नाश्ता किया आप लोगों ने? अरे नहीं बेटा, रात का ही खाना हजम नहीं हुआ। तुम ऐसा करना, मेरे लिए एक ही पूरी लेकर आना। जी नहीं, एक पूरी का कोई हिसाब नहीं होता, कम से कम दो खाते हैं। मैं अभी गया और अभी आया। अब तुम क्या यहाँ मासियों की तरह खड़ी हो गई हो? बैठो, हमारे साथ खाना खाओ। मेरी आदत है, सबको खाना खिलाने के बाद ही खाती हूँ। So old fashioned. बिल्कुल, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे क्या जरूरत है तुम्हें बदलाव लाने की कोशिश करूँ? वैसे भी मुझे तुम्हें जरा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है। या आई नो, मुझ में इंटरेस्ट लेने की तुम्हें जरूरत भी नहीं है, समझी? अभी क्या ख्याल है, डिनर के बाद हम बाहर जाते हैं आइसक्रीम खाने, क्या कहती हैं? नहीं बेटा, ठंडी आइसक्रीम मेरे दांतों में लगती है। तुम लोग क्या? सिद्रा, तुम्हारा क्या ख्याल है? जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी। वैसे भी खाने के बाद आइसक्रीम का मजा ही और होता है। और आरफा, तुम्हारा क्या मूड है? बिल्कुल नहीं, मैं आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बिल्कुल नहीं बनना चाहती। आप लोग चाहें, और अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो मुझे बुला सकते हैं। एक बात बोलूं? आपको आरफा को इनवाइट करने की क्या जरूरत थी? सिद्रा, वो आरफा इसी घर की एक फर्द है, उसको इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप प्लीज उसे इग्नोर कीजिए, जो वो औरत जहर लगती है पांच कहीं की। देखो सिद्रा, तुम आरफा से ज्यादा क्वालिफाइड हो और इंटेलिजेंट भी लगती हो। मैं तुमसे इस रवैये की तवक्को नहीं कर सकता, और मैं थोड़ा इंसाफ पसंद आदमी हूँ। मैं ना आरफा के साथ ज्यादा कर सकता हूँ और ना तुम्हारे साथ। दो कश्तियों के सवार डूब जाते हैं आबिद साहब, किसी एक साइड पे हो जाइए। छोड़ो इन बातों को, फजूल बातें हैं। मैं जानता हूँ सौकनों में आपस में जलसी होती है, लेकिन कोशिश करो, एडजस्ट करो। अगर तुम दोनों बहनों की तरह रिएक्ट करोगे एक दूसरे के साथ, तो ये घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। Thank you.
बेवफा, शादी भी कर ली और बुलाया भी नहीं। रुकिए आंटी से तुम्हारा एड्रेस लेके पहुंची हूँ मैं यहाँ पर। अरे यार, शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हुई, बाकायदा मेहंदी माइयों वाली शादी नहीं हुई। अच्छा, तुम खुश तो हो ना? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूँ। और तुम इतने दिनों बाद आई हो, आज खूब जम के बातें करेंगे। अच्छा, घर में कोई भी नहीं, तुम अकेली रहती हो? अम्मी अपनी कजन की तरफ गई हैं, और वो जो मेरी सौकन है ना आरफा, वो दोपहर के खाने के बाद अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, रात को ही बाहर निकलती है फिर। और आबिद भाई, उनके आने का वक्त तो नहीं हो गया? आबिद भी रात को 8 बजे तक फैक्ट्री से आ जाते हैं, अकेले फैक्ट्री चला रहे हैं वो, काम का काफी प्रेशर होता है उन पे। घर तो बहुत शानदार है तुम्हारा, शादी के बाद तुम्हारी किस्मत ही बदल गई। बस यार, अल्लाह का करम है। और तुझे पता है, आबिद की शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं, आरफा बांझ निकली इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की है। अच्छा, तो आबिद भाई ने तुमसे औलाद की खुशी के लिए शादी करी है। वैसे तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? इस महीने की 26 तारीख को पूरा साल हो जाएगा। अच्छा, कोई गुड न्यूज़, कोई इम्कानात? यार अभी पूरा साल थोड़ी हुआ है। लेकिन जिस कंडीशन में तुम्हारी शादी हुई है, तो तुम्हारी सास और तुम्हारे शौहर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे? यार ये तू कैसी बातें कर रही है, तू तो बिल्कुल मुझे डरा रही है। मतलब ये सब मेरे हाथ में थोड़ी है। देखो, तुम्हारी सुकन भी तो बांझ निकली, इसमें उस बेचारे का क्या कसूर? तुम्हें भी तो ला के बिठाल दिया ना। आसमा तो मुझसे मिलने आई है या मुझे परेशान करने आई है? अब तू ही बता मैं क्या करूँ। अगर प्रेग्नेंट नहीं हो तो प्रेगनेंसी की एक्टिंग करो। क्या एक्टिंग करूँ यार? देखो ये बहुत ज़रूरी है, आए दिन अपनी तबीयत खराब बताओ, चीख पुकार करो, घर सर पर उठा लो, लेकिन अपने शौहर और अपनी सास की उम्मीदों को टूटने ना दो। लेकिन इस ड्रामेबाजी का मुझे क्या फ़ायदा होगा? यार अगर तुम्हें अपनी शादी बरकरार रखनी है तो तुम्हें ये ड्रामेबाजी करनी पड़ेगी। वाकई? हाँ, तुम बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं, उन्हें भी साथ ले आती? मेरा एक बेटा और एक बेटी है, दोनों स्कूल से आकर सो रहे थे। अच्छा ये बताओ, तुम मेरी कोई खातिरदारी नहीं करोगी? कब से आई हूँ, बातें ही किए जा रही हो। अरे हाँ हाँ, अभी तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, इतने दिनों बाद आई हूँ, आज तुम बहुत सारी बातें करेंगे एक साथ। सारा सारा, फौरन से 2 कप चाय बनाओ, मेरी दोस्त आई है आज इतने दिनों बाद। जी, लेकर आती हूँ। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? अम्मी मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, बस घर के कामों में इतनी मसरूफ होती हूँ कि मुल्तान आने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और काशान की आवारागर्दी कुछ कम हुई? कुछ काम धंधे से लगा वो? नहीं अम्मी, आपको तो पता ही है मैं औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम हूँ, सौकन तो आनी थी, और फिर आप ही तो मुझे अच्छी तरह रहने का दर्द देती रहती हैं, मैं कैसे भूल सकती हूँ? लड़ाई झगड़ा कैसा, हम दोनों अपने कामों से लगे रहते हैं। ठीक है अम्मी, आप भी अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटा? थक गया बहुत। ये आरफा को क्या हुआ है? अरे ये आरफा नहीं है, ये सिद्रा है। तुम्हें तो अपनी बीवियों की आवाज तक की भी पहचान नहीं है। चलो चल के देखते क्या हुआ है। सिद्रा, सिद्रा क्या हुआ? अरे क्या हो गया बेटा?
सीधा क्या हुआ है? इसे अस्पताल ले जाओ। क्या हो गया? अरे सीधा, अरे बेटा इसे उठा अस्पताल लेके जाओ, जल्दी करो। उठो 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 उठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लगता है अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। उठो सीधा, उठ बेटा जल्दी से, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, ये चपले उठा लो इसकी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल चल आ जाओ। हम आधे घंटे से ऊपर हो गए, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? अरे नहीं बेटा, फिकर की कोई बात नहीं है। मैंने डॉक्टर रक्षंदा को बुलाया इसीलिए कि वो हमारी फैमिली डॉक्टर है, इंशाल्लाह ताला मायना कर रही है, खुशखबरी सुनाएंगी हमें। सब खैरियत तो है ना डॉक्टर साहब? जी जी, आइए आइए बैठे। हमारे लिए कोई खुशखबरी? नहीं, फिलहाल तो कोई खुशखबरी नहीं है, लेकिन हाँ मायूसी की कोई बात नहीं है। मैंने सिद्रा का कम्प्लीटली चेकअप कर लिया है, वो बहुत सेहतमंद है और उन्हें कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह वो जल्द ही माँ बन जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सिद्रा के लिए कोई खास एडवाइस? नहीं, कोई खास एडवाइस नहीं है, वो खाएं पिएं घूमें जो दिल चाहे करें, लेकिन हाँ सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने से उन्हें परहेज करवाइएगा। अच्छा मैं अब चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, आप इतने दिनों के बाद आई हैं हमारे घर में, कम से कम एक कप चाय तो पी के जाएं। नहीं नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है, मेरी क्लिनिक का टाइम हो गया है, फिर कभी। जूस जूस ला लो। नहीं नहीं थैंक यू सो मच। अरे आयफा, तो ये तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हो? तुम्हारी आंखों के नीचे इतने हल्के हो रहे हैं, सब खैरियत तो है ना? अपना ख्याल रखा करो और किसी वक्त हॉस्पिटल आ जाओ, अपना हीमोग्लोबिन चेक करवा लो, ठीक है? जी ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ट्रीट? यस ऑफ कोर्स। अब आप बताइए आज कौन से रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे हम? तुम्हें तो हर दूसरे तीसरे दिन बाहर का खाना खाना होता है। मैडम मैं बहुत सादा आदमी हूँ, मेरा पेट घर के खाने से ही भरता है। बात तो आप सही कह रहे हैं, घर का खाना तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूँ, घर का खाना वो मनहूस आरफा बनाती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज से किचन की जिम्मेदारी तुम संभालो। नहीं मैं नहीं जिम्मेदारी संभाल सकती, ना ही मुझे कुकिंग आती है, ना ही मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ कुकिंग में। हाँ तो ठीक है, फिर मजबूरी है, और वैसे वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। कल उसने जो नरगिसी कोफ्ते बनाए थे तबाही मचा दी थी। तबाही? अच्छा बस बस, ज्यादा तारीफें करने की जरूरत नहीं उस चुड़ैल की। क्यों जेलस होती है उसे? क्या हुआ क्या हुआ? अरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी अम्मी, क्या क्या हो गया? अम्मी सिद्रा की तबीयत खराब हो रही है। उठो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। अम्मी अम्मी सिद्रा की तबीयत खराब हो रही है। आजा 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 आजा, उठो 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 उठो, हिम्मत करो अम्मी। अम्मी क्या हो गया बेटा? तबीयत खराब हो गई है फिर से। अल्लाह रहम करे। अम्मी अम्मी हॉस्पिटल चलते हैं जल्दी से। हाँ हाँ चलो 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 बेटा। ये आरफा को क्या हुआ? अरे क्या होगा, वो गैस का दर्द उठा होगा, मैं मुलाजमा से कह दूंगी कोई चूरन वगैरह उसे दे देगी। तुम तो जल्दी करो, अरे इसको लेके जाओ जल्दी करो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने, पूरे जिस्म की जान निकल गई है।
हाँ जाओ आराम करो, बल्कि आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अम्मी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आज भी डॉक्टरों ने नुस्खा लिख के दे दिया दवाइयों का और बताया कुछ भी नहीं। अरे बेटा खुदा क्या देर है अंधेर नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि सिद्रा उम्मीद से हो गई है। और तुम देख लेना कल वो डॉक्टर अक्षंदा आएंगी सारी रिपोर्टें लेके सिद्रा की, सब पता चल जाएगा, इंशाल्लाह सब खैर होगी, देख लेना। अम्मी मैं वो आरफा का पता कर लूंगी। नहीं उस पांच को क्या होना है, तवज्जो हासिल करने के लिए ड्रामे रचा रही है। पता करने में कोई हर्ज है? हाँ जाओ, मैंने कब मना किया, कौन सा तुम मान जाओगे मेरे कहने से, जा। आरफा सो रही हो तुम, तबीयत कैसी है? आपको क्यों, आप तो मुझे दर्द में तड़पता हुआ छोड़ के उस ड्रामेबाज को हॉस्पिटल ले गए थे। माफ करना, अम्मी को लगता है कि तुम ड्रामे कर रहे हो। अम्मी को लगता है ना, आपको तो नहीं लगता ना, पर अम्मी तो एक सास है और सास को बहू से हमदर्दी नहीं होती। मुझे ये समझ नहीं आता कि इस घर में मेरी हैसियत ही क्या है, औकात क्या है आखिर इस घर में मेरी। आरफा ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम, और तुम्हें हुआ क्या था? गैस और तेजाबी किचन में इतनी सारी चीजें पड़ी हैं, कोई टोटका कर लेती। क्या क्या मतलब इस बात का, आपकी नजर में मेरी जीरो वैल्यू है। लेकिन एक बात याद रखिएगा आबिद, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। आरफा तुम चाहती क्या हो? ठीक है मैंने शादी की है, लेकिन तुम्हारी मर्जी से। मैंने तुम्हें तलाक दी या मैंने तुम्हें घर से निकाला, हालांकि तुम अब मेरे लिए किसी काम की नहीं हो, लेकिन जितने पैसे मैं सिद्रा को देता हूँ उतने ही तुम्हें मिलते हैं। तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है? लेकिन आप तो मेरे नहीं रहना, और यही दुख मेरे सीने में जख्म बन के रिश्ता रहता है। तुम्हें जो भी दुख है उसे बर्दाश्त करो, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है तो अपनी माँ के पास चली जाओ मुल्तान। दिमाग खराब हो गया मेरा, फंस के रह गए हो दो बीवियों के बीच में। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि सिद्रा ने जो सिनेरियो बनाया था वो उसका खुद ही शिकार हो गई। मैं समझा नहीं डॉक्टर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? असल में सिद्रा ने जो ड्रामाई अंदाज में आप लोगों को बेवकूफ बनाया वो उस बेवकूफी में खुद ही फंस गई। डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन उसको दी और वो इस्तेमाल करती रही, उस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से आज उस नेमत से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? असल में जो मर्ज आपको है ही नहीं उसकी बिला जरूरत आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो उससे इस्तेमाल के बाद उसके साइड इफेक्ट्स आपके ऑर्गन खराब कर देंगे, ऐसा ही है ना? अल्लाह ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी है, ना मैं आरफा का दिल दुखाती, सिद्रा को सौकन बना के मैंने उसका दिल दुखाया, अल्लाह ने मुझे इस बात की सजा दी। फिर भी मैं सिद्रा को सच्चे दिल से कबूल करती हूँ, उसे माफ करती। ये कौन चीख रहा है? ऐसा ना हो ये भी अपने ड्रामेबाजी की वजह से सिद्रा की तरह कोई नुकसान ना उठा ले। डॉक्टर प्लीज आप आरफा को चेक कर लें। हाँ बिल्कुल। मैं आपको कमरे तक छोड़ूंगा। नहीं नहीं थैंक यू, मुझे रूम पता है।
मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है, मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है, औलाद से महरूम क्यों हूं मैं? बेटा ये सब किस्मत के खेल है, खुदा से शिकवा नहीं करते, वो शिकवा करने वालों को पसंद नहीं करता। बेटा अल्लाह ने मेरा हर जगह साथ दिया है, पढ़ाई में भी कभी रुकावट नहीं आई है, कैरियर में कोई रुकावट नहीं आई है, बिजनेस शुरू किया अलग ही तजर्बा नहीं था मुझे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फैक्ट्री चल निकली, लेकिन ये औलाद से क्यों मरूं, औलाद से क्यों मरूं हूं? बेटा मैं क्या कह सकती, सब अल्लाह पे छोड़ दो, उसके अंधेर है अंधेर नहीं, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है वो हमारे साथ बहुत बेहतर करेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब सब खैरियत तो है ना? जी जी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, दरअसल आपको उम्मीद से है और उसे 10वां हफ्ता चल रहा है। अल्लाह का शुक्र, क्या आप सही कह रही? जी मैं 100% सच कह रही हूँ, आप कल ही आरफा को हॉस्पिटल ले आएं और उसका नाम लिखवा लें हॉस्पिटल में, अभी तो मैंने चेकअप कर लिया है, जच्चा और बच्चा दोनों ठीक हैं, लेकिन फिर भी अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ठीक है बेटा, मैं नहीं कहती अल्लाह बेहतर करने वाला है, वो बड़ा कारसाज है बेटा, वो बड़ा कारसाज है, अल्लाह तेरा शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ तेरा कम, बस तू मुझे माफ़ कर दे। आबिद साहब मिठाई तो बनती है। बिल्कुल बिल्कुल मिठाई ले, अम्मी मैं मिठाई लेके आती हूँ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, वो अम्मी मैं पहले अरफा को देख लूँगा। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बड़ी खुशी सुनाई, ये लो ये मैं तुम्हारे लिए जाऊँ। ये तो वाकई बहुत अच्छा है, थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह ने हमारी सुन ली। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं बहुत कम है। आपको पता है शादी एक इम्तिहान होती है, और मुझे लगता है कि आज उस इम्तिहान में मैं पूरी उतरी हूं। तुमने फर्स्ट क्लास पोजीशन हासिल की है इस इम्तिहान में, और अब जश्न होगा। अल्लाह ने हमें इतने अरमानों के बाद इतनी बड़ी खुशी दी, जब तक वो नन्हा मेहमान घर पे नहीं आता हर दिन ईद का दिन और हर रात चांद रात होगी। मैं सिद्रा को देख के आता हूँ। बिल्कुल, इस वक्त जिस आजमाइश से वो गुजर रही है आपको उसके साथ होना चाहिए। सिद्रा तुम कहीं जा रही हो? जाहिर सी बात है अब जाना तो पड़ेगा, आबिद प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी अम्मी और आरफा से भी जाके माफी मांग लूंगी, मैंने आरफा के साथ बहुत बुरा सलूक रखा था। ठीक है, अगर तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है कि तुमने आरफा के साथ ठीक नहीं किया है तो तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो बता दो कि कहाँ जा रही हो तुम? अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं रही, आप मुझे कितने अरमानों से बया के लाए थे, मैंने आपकी सारी ख्वाहिशों में पानी फेर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। देखो सिद्रा मेरी बात सुनो, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, तुम इस घर का एक फर्द हो
और तुम्हारी हैसियत हमेशा पहले जैसी रहेगी। तुमने डिसअपॉइंट तो किया है, लेकिन जरा ये भी तो सोचो कि जब आरफा पे ये लेबल लगा हुआ था बांझ का, तो क्या मैंने उसे घर से निकाल दिया? क्या मैंने उसे तलाक दे? हाँ ठीक है, हमें बच्चे की शदीद ख्वाहिश है, लेकिन हम लोग इतने जाहिल भी नहीं। सिद्रा, तुम कहीं नहीं जा रही हो, अपने सारे कपड़े अलमारी में वापस रखो प्लीज। आरफा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक रखा। मैं जानती हूँ माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन प्लीज अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। खुदा गवाह है मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर तुम कहती हो कि मैंने तुम्हें माफ किया तो वाकई मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बल्कि तुम्हारे लिए या इस घर के फर्द के लिए मेरे दिल में कोई रंजिश है ही नहीं। और देखो सित्रा, मुझे तो बांझ डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन तुमने खुदा का मुआवजा देखा, उसने मुझे माँ बना दिया, और यही मुआवजा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम मेरी छोटी बहनों की तरह मेरे साथ रह सकती हो, और मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा भी तो हो सकता है ना। तुम खाला बन के उसे पाल सकती हो। You are right. I'm proud of you. हम पे चंद लम्हे सदियां बन के गुजरे, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी खुशी हमारे नसीब में लिखी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। है रब्बे ज़ुल्जलाल, मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है। अच्छा ये बताओ कि अम्मी कहाँ गई? आपको तो पता है अम्मी से ये खुशखबरी छुपाई नहीं जा रही, वो मोहल्ले में गई हैं नुसरत आपा को बताने कि वो दादी बनने वाली हैं। सीरियसली अम्मी से ये खुशी छुपाई नहीं छुप रही, और मैंने सोचा है कि इस वीकेंड पे एक बड़ा सा डिनर रखते हैं, अपने अजीज़ों अकारिब के अलावा मोहल्ले वालों को भी अपनी खुशियों में शामिल करेंगे। क्यों, ठीक है ना मेरी प्यारी प्यारी बीवी? बिल्कुल। अच्छा ये सब समेटो। आरफा थैंक यू सो मच।